इन कानूनों को तोड़ने वाले, इनका गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों की कभी कोई कमी होगी नहीं। कुछ अच्छा हो, ऐसा कुछ चाहिए तो बुद्ध के रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस धरती पर है नहीं। कि धर्म तो ऐसा ही होना चाहिए कि सबकी समझ में आ जाए। राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। दूसरा, इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या को जीना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया। एक वकील होने के नाते मैं देखता हूं सरकार कई काम करती है, कानून बनाती है, और कानून लोगों की भलाई के लिए कम होते हैं, लोगों की जुबान कैसे बंद की जाए और उन्हें दंडित कैसे किया जाए, इस बात के कानून ज्यादा होते हैं। और जितने कानून होते हैं उससे कहीं ज्यादा ये चीज सरकार अमल में लाती है कि कोई भी बोलेगा तो उसे आप एनएसए में बंद कर दो, यूएपीए में बंद कर दो, छोटे मुकदमे लगा दो। या इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर दे तो उसको सजा के प्रावधान, उसके लिए कानून तो बनाया जाता है, लेकिन इंसान अपराधिक प्रवृत्ति का हो ही नहीं, उसके अंदर अपराध बोध जगे ही नहीं, इंसान कैसे परिवर्तित हो जाए, कैसे बदल जाए, कैसे अच्छा हो जाए। चाहे जितने कानून बना लीजिए, चाहे जैसे कानून बना लीजिए, इन कानूनों को तोड़ने वाले, इनका गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों की कभी कोई कमी होगी नहीं। अगर किसी चीज की जरूरत है तो बदला जाए, यही काम कोई नहीं करता। लेकिन ये काम इस धरती पर तथागत बुद्ध ने किया, हमारे संतों और महापुरुषों ने किया, और वाकई में अगर दुनिया में एक स्थायी परिवर्तन चाहिए, एक बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा हो, ऐसा कुछ चाहिए तो बुद्ध के रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस धरती पर है नहीं। केवल बुद्ध का रास्ता है जो इंसान को उन सारे अवगुणों से, उन सारी कमजोरियों से, सारे दुर्गुणों से दूर कर देता है। केवल वो बुद्ध का रास्ता है। और क्या है बुद्ध का रास्ता? बहुत छोटे से मैं अगर समझे तो, हालांकि तथागत बुद्ध से जब एक बार एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने पूछा कि धर्म हमें तो बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती, थोड़े से शब्दों में समझा दो, तो यहां बताया भी था पहले, वो बातें बोली भी थी जिस समय त्रिशरण तंसील हो रहा था, लेकिन मैं उस बात को आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध ने कहा कि धर्म तो ऐसा ही होना चाहिए कि सबकी समझ में आ जाए। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो धर्म क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा, समझाया उस मां को कि सब पाप से एक वर्णन, कुशल से उप संपदा, से चित्त परियो दपनन, एस बद्धानुशासन, यानी सभी पाप कर्मों से दूर रहो, सभी शुभ कर्मों की जो दौलत है उसको संचित करो, यानी शुभ कर्म करो, और अपने मन को नितांत निर्मल करो। बस यही बुद्धों की देशना है, यही बुद्धों की शिक्षा है। और इसके लिए तथागत ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, अब तभी तो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और केवल कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में यह सब कुछ किया और उसके बाद लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में हमें वो रास्ता बताकर गए थे। अपने अंदर झांक कर देखो ईमानदारी से, क्या हम उनके रास्ते पर चले,
अगर उनके रास्ते पर चलते तो आज जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कभी नहीं आती। और अब तो आपके पास में बहुत ज्यादा समय भी बचाने ही है। अगर आज से भी ये तय कर लो कि न केवल मैं तथागत के बताए रास्ते पर चलूंगा, बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बनूंगा, बल्कि अपने परिवार और लोगों को भी जहां तक भी हो सकता है इस ज्ञान को शिक्षा को तक पहुंचाऊंगा, तो भी शायद कुछ बच सकता है। एक ही साल का समय है आपके पास में लोकसभा चुनाव के बाद में। मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं कि कुछ जब हम्पे जी ने यहां पर वोट की बात कही है, हालांकि लोट की भी बात कही है, और आदरणीय बनते सुमित रत्न जी ने तो 1 रुपए से 10 रुपए तक कही, जिसे आगे चल के 100 कर दिया, और पूज्य बनते जी ने 1000 रुपए कर दिए। बदान तो दो, इसमें तो कोई बात नहीं, चाहे 1000 हो या 10 हो। तो मैं वोट की बात हुई थी इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर 2024 से लोकसभा चुनाव में, और इसलिए भी कहने की बात कर रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। और यहां जितने भी बैठे लोग हैं, मैं अपने को भी इसमें गिनते हुए, हम में से कोई भी बाबा साहब की चरणों की तूल के बराबर भी ज्ञानी नहीं है, हम उनसे ज्ञानी नहीं है, तो उनसे सीखो, इसलिए वोट का अधिकार दिया। लेकिन लोग किस नींद में सोए हुए हैं इसका पता नहीं चाहते हो। 2024 आपके सामने है, अगर इसमें सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ केंद्र में, तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। और यह सरकार, मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि भंते जी ने मुझे यह अनुमति दी थी कि आप ईवीएम की बात भी कहना, भंते जी को ध्यान होगा, और ईवीएम अगर है तो आप आज की जो सत्ताधीश पार्टी है उसे नहीं हटा पाएंगे। पर मुझे विश्वास है कि आप ईवीएम के लिए जन नहीं करेंगे। मैं अनुभव से बता रहा हूं, आपके प्रोग्राम में लखनऊ में जब आपने बुलाया था 3000 जो हम ईवीएम को हटाने के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं, वो कैंपेन क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं हम, ये मान के चलते हैं देश में 90 करोड़ मतदाता है, इनमें से तकरीबन 7 करोड़ मतदाता वोट करते हैं। अगर 20 से 25 करोड़ मतदाता भी सिग्नेचर कैंपेन में हमारा साथ दें, तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रखते और उसके साथ में जो वकीलों का एक नेशनल लेवल पर हम संगठन बना रहे हैं, वो सारे वकीलों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का घेराव करके ईवीएम को हटाने का काम करें। लेकिन आप साथ नहीं देंगे तो होगा नहीं, और साफ आपने दिया नहीं। मैंने 3000 फॉर्म भरे थे लखनऊ में, एक भी फॉर्म वापिस नहीं आया, किसी ने अपना भी सिग्नेचर करके मुझे भेजा नहीं। अलाहाबाद में था ऐसे ही, वहां बेटा 3 मीटिंग कानपुर में करी, एक व्यक्ति का फॉर्म वहां से नहीं आया जिन्होंने कम से कम 4000 फॉर्म लिए। आपके महाराष्ट्र में रेलवे में मुझे बुलाया गया था, रेलवे वालों ने 14 अप्रैल का प्रोग्राम किया था, 4000 फॉर्म महाराष्ट्र में देखा, सारे के सारे बस घर में रखे कार के, मुझे पता नहीं एक फॉर्म नहीं आया। लगातार कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को बड़ा करने की, और मिट्टी दे रहा हूं जन आंदोलन के रूप में अगर बदलेगा नहीं, ऐसे आंदोलन भी किसी काम आएंगे नहीं। हालांकि ऐसे आंदोलन की बहुत जरूरत है, पर फिर भी जन आंदोलन की जरूरत है, वो होना चाहिए, हो नहीं रहा। साथियों रही हमारी बात, हम तो जितना भी जैसा भी लड़ सकते हैं लड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज यहां है तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत। दूसरा, इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या को जीना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, और आज भी लोग बाबा साहब के अनुयायी होते हुए डरते हैं। किस बात का डर है यार आपको, कोई क्या कर लेगा आपका? मैं तो खुल के बोलता हूं, आप सब लोग सुनते तो हो, नहीं सुनते हो या नहीं सुनते मुझे? बात तो उससे भी डरते हो, मेरा तो कोई बालमा का डर नहीं पाया, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम लोग खड़े हैं आपके साथ में। तो साथियों जन आंदोलन की तैयारी करो, और सत्ता का परिवर्तन जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो सारी चीजें भराशायी हो जाएंगे। हम लोगों को इन सारी चीजों को समझ के आगे काम करना पड़ेगा, समय हो चुका है।